हाय, मैं हूँ डॉक्टर विशाल एंड आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ। वो ये है कि एक्चुअली में आप फूड को मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हो। एंड ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सात्विक मूवमेंट नाम के एक चैनल की कुछ गलतियाँ निकाली थी। बिकॉज उनका एक वीडियो था जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके पास एक ऐसी डाइट है जो कि हर बीमारी का क्योर है। एंड एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मुझे लगा कि इस इंफॉर्मेशन में काफ़ी सारी कमियां हैं एंड उनको हाईलाइट करना चाहिए। ऑफ कोर्स मेरा तरीका कुछ लोगों को हर्ट कर सकता है एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट एज समबडी जिसको अपने मरीजों की फिक्र है, जो कि लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट करना चाहता है, मैं इतनी आसानी से लोगों को गुमराह होते हुए नहीं देख सकता। तो इंटरनेट के माध्यम से बहुत लोगों का ऐसा ओपिनियन बन गया है कि एक्चुअल दवाइयाँ जो हैं वो खानों में ही छुपी हुई है, फूड इज़ द एक्चुअल मेडिसिन, जो हमारा गार्डन है वही एक्चुअल फार्मेसी है, हम हर बीमारी या जो भी बीमारी हम चाहें हम सही खाने को खा कर ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को लगता है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो डॉक्टर दवाइयाँ देता है, जो सो कॉल्ड वेस्टर्न एजुकेटेड है, वो एक तरीके से आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड स्कैम चल रहा है जिसमें आपको महंगी दवाइयाँ बेची जाती हैं, आपको बीमार रखा जाता है, आपको एडिक्ट बना दिया जाता है जिससे कि बस गोलियाँ बिकती रहे। एंड हम जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करके सिर्फ यही सीखते हैं कि कैसे सबको बीमार रखा जाए, या हम कैसे सिर्फ इतना ही सीखते हैं कि सिम्टम्स कैसे ठीक किए जाए, बट जड़ से अगर आपको कोई चीज़ को ठीक करना है तो आपको फूड यानी कि खाने को सही तरीके से खाना होगा। अगर आप सही कॉम्बिनेशन ऑफ खाना खाएंगे तो आप कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो पुराने ज़माने में एक गांव हुआ करता था, वहाँ पे कुछ लोग रहते थे एंड अचानक से लोगों का सर दुखने लगा। तो एक ज्ञानी व्यक्ति वहाँ पे बैठा था, उसने देखा कि जो लोग सेब खा रहे हैं, सेब यानी कि एप्पल, उनका सर दर्द होना बंद हो जाता है। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये उसने कुछ लोगों को बताया, उन्होंने सेब खाया, उनका सर दुखना सच में बंद हो गया। तो लोगों को ये बात समझ आ गई कि अगर आपका सर दुखा करे तो आप सेब खा लीजिए एंड उससे आपका सर दुखना बंद हो जाए। ज्ञानी आदमी खुश कि उसने ऑब्जर्वेशन किया और उससे लोगों का फायदा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन एक आदमी आया उसके पास, उसने बोला कि मैंने तो सेब खाया, मेरा सर दुख रहा था लेकिन ठीक नहीं हुआ, अब आप बताइए क्या करना है, आप ही ने सबको बोला था सेब खाने से ठीक हो जाते हैं। तो उसने बोला, बात तो सही है लेकिन आप देखने में थोड़े वजनदार लग रहे हैं, आपका कद थोड़ा ज़्यादा है, बिल्ड थोड़ी अच्छी है, हो सकता है आपका एक सेब से काम ना हो, आपको दो सेब खाने चाहिए। उसने बात मान ली, उसने दो सेब खाए, ठीक हो गया, चला गया बहुत खुश। कुछ दिन बाद एक और आदमी आया, उसने बोला कि सर आपने उसको बोला था दो सेब खाओ, मैंने एक खाए दो खाए, मैं तो नहीं हो रहा ठीक, लेकिन वो और भी ज़्यादा भारी भरगम था। तो उसको उस ज्ञानी व्यक्ति ने बोला कि आप पांच सेब खाइए तो जाके आप ठीक होंगे। तो वो पहले तो बड़ा अटपटाया कि यार दिन में पांच सेब कौन खाता है, बट अब उसको लगा कि क्या पता यही करना पड़ता होगा ठीक होने की। उसने खाया, उसका भी सर दर्द चला गया, सब और खुश हो गए, कह रहे यार ये आदमी के पास तो सोल्यूशन है। फिर एक दिन उसके पास एक लड़की आई, उसने बोला कि मैं जैसे ही एप्पल खाती हूँ मुझे अचानक से बेचैनी होने लगती है, मुझे पसीना आने लगता है, मेरी सांस चढ़ने लगती है। तो ये ज्ञानी बाबा जो हैं वो सोच में पड़ गए कि अभी तक तो सब सही चल रहा था, लोगों को सेव दो उनका सर दर्द चला जाता, सब बढ़िया से चल रहा था, अब इसके लिए क्या किया जाए, कुछ तो जवाब इसे भी देना पड़ेगा। तो फिर उसने बहुत दिमाग चलाया, बहुत अपना सर खुजाया, उसके बाद उसने ये पता किया कि ये सेव में कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग ठीक हो जाते हैं। तो उसने वो चीज़, वो जो केमिकल कंपाउंड है, उसको निकाल के एक गोली में डाल दी और उसने बाकी सारी अननेसेसरी चीज़ें हटा दी। फिर उसने वो गोली देके देखी एंड वो मरीज़ ठीक हो गई, वो बड़ा खुश हुई, ये भी बड़ा खुश हुआ कि अब मैं इस किस्म के मरीज को भी ठीक कर सकता हूँ, सब बात सही चल रही थी। बट ये जो लोग थे जो एक सेब या दो सेब खा के ठीक हुए थे, अब अचानक से उनको लगा कि देखो इसके मन में लालच आ गया, पहले ये ज्ञानी व्यक्ति जो हमें फ्री में ठीक किया करता था, आज वो ये एप्पल की गोली बना के वो गोली बेच रहा है और उससे पैसे कमा रहा है, देखो ये कितना गलत आदमी है। तो उनको लगा कि ये तो सही नहीं है, इसे रोकना पड़ेगा। बट ये जो ज्ञानी आदमी है ये अपनी धुन में, इसको लग रहा है कि वाह मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन दे पाता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं बहुत अच्छे से पूरा कर रहा हूँ। फिर
कुछ दिन के बाद एक और मरीज आया उसके पास। उसने बोला कि मैंने तो आपकी दी हुई गोली भी खाई, मेरा सर दर्द फिर भी नहीं ठीक हो रहा। अब आप बताओ कि आपकी गोली कैसे फेल हो सकती है। तो अब ये आदमी फिर सोच में पड़ गया, फिर ही अपना दिमाग खुजाने लगा कि अब मैं आगे क्या करूँ, कैसे मैं इसको ठीक करूँ। तो उसने और थोड़ी रिसर्च की और थोड़ी पढ़ाई की, फिर उसे समझ में आया कि ये आदमी का सर दर्द जो है वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो रहा था, उसके सर में कोई बीमारी थी, जबकि बाकी लोगों का जो सर दर्द है वो ब्लड में ग्लूकोज की कमी की वजह से हो रहा था। तब फिर उसे समझ में आया कि अगर आप एप्पल या सेब दोगे तो सिर्फ उन्हीं का सर दर्द ठीक होगा जो कि ब्लड के ग्लूकोज की कमी की वजह से हो रहा है, उनका सर दर्द नहीं ठीक होगा जिनके सर में ब्रेन ट्यूमर हो। तो उसने उस ब्रेन ट्यूमर वाले व्यक्ति के लिए एक और गोली बना दी कि तुम्हारे लिए ये गोली काम करेगी, तुम ये खा के देखो। यहीं पे जो टीम एप्पल थी, जो आज तक देखती आ रही थी कि एप्पल खाने से सब बीमारियां मेरी ठीक हो रही थी, हर किस्म का हेडेक ठीक हो रहा था, वो और नाराज हो गए कि अच्छा ये पहले एक गोली बेचना शुरू की इसने, अब ये एक और गोली बेच रहा है उससे भी महंगे दाम, तो इसको तो अब किसी ना किसी तरीके से रोकना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। सत्य तो ये है कि एप्पल से हेडेक ठीक हो सकता है, जस्ट दैट ये बाकी लोगों को बताता नहीं है। अब ये मनी माइंडेड हो गया है, इसकी दुकान चल पड़ी है, तो ये नहीं बता रहा कि एप्पल से भी आप ठीक हो सकते। वहीं पे वो जो ज्ञानी है वो बैठ के अपना जोश में है कि मैंने जो सेब से ठीक होते थे उनको भी ठीक कर दिया, जिनको एलर्जी होती थी सेब से मैंने उनके लिए भी गोली बना दी, अब वो भी खुश है। वहीं पे जिनको ब्रेन ट्यूमर से सरदर्द हो रहा था वो भी खुश है, मैंने उनके लिए भी गोली बना। एंड मुझे ये भी समझ आ गया कि जो हेडेक होता है वो चाहे बाहर से देखने में एक जैसा दिखे, अगर 10 के 10 लोगों को हेडेक हो रहा है तो हर व्यक्ति के ऊपर सेम ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, बिकॉज हर एक के हेडेक का कारण अलग है, ये उसे पता चल गया। बट जो टीम एप्पल है वो अभी भी यही देख रही है कि हेडेक उसको भी हो रहा है, हेडेक मुझे भी हो रहा है, मैं तो एप्पल से ठीक हो गया, मेरे साथ वाले हजारों लाखों लोग सेव खा के ठीक हो गए, तो फिर वो कैसे नहीं ठीक हो रहे हैं। उसे ये ज्ञान देना होगा, उससे ये चीज छुपाई जा रही। तो उनने उसको इधर बुलाया कि तुमको वो डॉक्टर ने अभी महंगी वाली गोली दी है ना, तुमको उसने बताया कि हम तो एप्पल खा के ठीक हो रहे थे, कोई खर्चा नहीं, गार्डन में जाओ एप्पल तोड़ो खा लो, तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है इतनी महंगी गोली दे के। तो अब वो परेशान कि मैं उस व्यक्ति की बात सुनूं जिसने गोली दी है जो कि इतने लोगों को ठीक करता है अलग अलग चीज़ें बता के, या मैं इनकी बात सुनूं जिनका सलूशन तो बड़ा सिंपल है कि इनको भी सर दर्द हो रहा था, ये एप्पल खा के ठीक हो गए, तो अब क्या मुझे गोली खानी चाहिए या मुझे एप्पल खाना चाहिए, क्या किया जाए इसका। तो उसने कुछ दिन गोली खाई और फिर आधे में रोक दी, बिकॉज उसको लगा कि अब गोली तो खर्चे वाली चीज़ है, इनका एप्पल खा के ठीक हुआ है, उनको भी तो सेम ही सिम्टम्स थे तो मुझे भी सेम ही सिम्टम्स है तो मेरा भी ठीक हो जाएगा। ये तो सुनने में सिंपल लग रहा है और सही लग रहा है और सुंदर सस्ता टिकाऊ लग रहा है, हो सकता है वो पैसों के लिए कर रहा हो। तो उसने गोली खाना छोड़ दी। अब कुछ दिन बाद वो मरीज मर गया। डॉक्टर को नहीं पता कि वो मर गया, डॉक्टर को लग रहा है कि वो दवा खा रहा होगा, ठीक हो गया होगा, शायद उसी वजह से नहीं आया। जो टीम एप्पल है उनको ऐसा लग रहा है कि उसने वो जो गोली खाई थी उसी के साइड इफेक्ट से उसकी जान चली गई। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? ऑफ कोर्स वो जो महंगी दवाई बेचने वाला है उसी को, तो उसे सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन वो जो डॉक्टर है उसको ये सब की कोई खबर नहीं, वो अपनी ही धुन में लगा हुआ है। अब उसे ये समझ में आ गया है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज कम है तो आप उसको एप्पल जैसी नॉर्मल चीज जो कि खाने की होती है उसको खिला के ठीक कर सकते हैं, बिकॉज ग्लूकोज हमारे ब्लड में रहना जरूरी है, वो हमारे बॉडी में फ्यूल का काम करता है। वहीं पे कुछ ऐसे भी एरिया हो सकते हैं जहाँ पे सेब अवेलेबल ही ना हो, हो सकता है कोई कहीं रेगिस्तान में रहता है, हो सकता है किसी को एप्पल से एलर्जी हो, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो फिर उसको समझ में आ गया कि एक गोली देके इस कमताई को पूरा किया जा सकता है, उसने उसको नाम दे दिया सप्लीमेंट। एंड वहीं पे उसको समझ में आ गया कि अगर कोई ऐसी चीज है जो कि जेन्युइन बीमारी है, जो कि शरीर में नहीं होनी चाहिए लेकिन किसी तरह आ गई, अगर उसे आपको हराना है तो उसके लिए आपको कोई नए किस्म की चीज बनानी पड़ेगी जिसको हम कहेंगे मेडिसिन। तो इस तरीके से तीन अलग अलग कैटेगरीज बन गई, एक है फूड, एक है सप्लीमेंट एंड एक है मेडिसिन। जो टीम फूड है वो अभी तक इसी दुनिया में जी रहे हैं कि गार्डन में उगाई जाने वाली हर चीज से ही हम ठीक हो सकते हैं, बिकॉज बाकी दोनों कैटेगरी की जो चीजें हैं वो केमिस्ट्री लैब में बनाई जाती हैं, पैसे खर्च किए जाते हैं उन पर, रिसर्च करी जाती है और पैसों से बेची जाती है, और देखने में भी वो बॉटल में आती है गोली गोली जैसी लगती है। तो सप्लीमेंट क्या है, मेडिसिन क्या है, वो सब हमको नहीं पता। हमको बस इतना पता है कि पेड़ से अगर तोड़ के खाया जा सकता है, उन्हीं से अगर सप्लीमेंट और दवाइयां बनती हैं तो ये जो चीज है इससे हम ठीक हो सकते हैं, और बाकी सब जो है हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वो सब दोगलापन है।
उसमें सिर्फ पैसे बर्बाद है, हमें छला जा रहा है। फिर ये लड़ाई चलती रही एंड आज वो YouTube की दुनिया में होने लगी है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप अपने शरीर में जो भी डालते हैं उनको मेनली तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक है फूड, फूड यानी कि खाना। इसके पहले कि हमें किसी भी किस्म के साइंस की कोई भी नॉलेज थी, चाहे वो इंडियन हो, वेस्टर्न हो, ट्रेडिशनल हो, मॉडर्न हो, एविडेंस हो, ना हो, जब हमें पता ही नहीं था कि खाना क्या होता है, तब से हम खाना खाते आ रहे हैं। हमारे सर्वाइवल का बेसिस ही हमारा फ्यूल, हमारी एनर्जी है जो हमें खाने से मिलती है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कोई बहुत पुराना ऑर्गेनिज्म हो, पुराना कोई बहुत सिंपल वन सेल का ऑर्गेनिज्म हो, या वो कोई एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म हो जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, बाकी एनिमल्स हैं, इनमें से कोई भी अगर अपना खाना नहीं बटोर पाएगा तो वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा। नेचर ने हमको बनाया ही है जिंदा रखने के लिए। जिंदा रखने के लिए आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना ये आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज उसके बिना आपकी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देगी। तो जो फूड है उसका मेन काम, उसका सोल पर्पस ये है कि आपकी बॉडी में एडिक्वेट एनर्जी पहुंचाई जाए। उसका और कोई काम नहीं है। उसका प्राइमरी काम है आपके बॉडी को इनफ कैलोरीज पहुँचाना, इनफ न्यूट्रिशन पहुँचाना कि वो एकदम अच्छे से काम करते रहे, फिजिकली भी मेंटली भी। अगर आप फिजिकली या मेंटली अच्छे से काम नहीं कर पाते, आपके पूर्वज काम नहीं कर पाते, तो किसी ना किसी शेर ने उनको खा लिया होता, वो अपनी जान नहीं बचा पाते, वो इतने कमज़ोर होते कि वो दौड़ नहीं पाते, उनको आंखों से इतना कम दिखाई देता कि वो शेर को देख नहीं पाते। तो बिकॉज उन्होंने सही किस्म के खाने खाए वो जिंदा बच गए, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। तो फूड हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ये उसका मेन काम है। वहीं पे सप्लीमेंट एक चीज़ होती है। तो लोगों को जनरली सप्लीमेंट कहेंगे तो ऐसे प्रोटीन पाउडर जैसी या मल्टीविटामिन जैसी सप्लीमेंट्स के जो इमेज है वो आती है, बट सप्लीमेंट एक कैटेगरी है जो कि वो काम करती है जो फूड नहीं कर पाता है। तो जैसे जैसे हमें हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में समझ बढ़ी, हमें ये समझ में आने लगा कि कुछ लोगों को कुछ किस्म के खाने सूट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों को पीनट की एलर्जी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों के एरिया में इतनी बर्फ पड़ती है कि वहाँ पे खेती ही नहीं होती। तो ऐसे लोगों को अगर हेल्दी रहना है तो उनके लिए हम मॉडर्न मेथड्स यूज़ करके जो खाने में चीज़ें मिलती हैं उनको पैकेज करके उनके पास पहुँचा सकते हैं। जिन लोगों को पीनट खा के एलर्जी होती है, उनको पीनट वाले न्यूट्रिएंट्स को हम किसी गोली में डाल के दे सकते हैं तो उन्हें एलर्जी नहीं होगी, उन्हें भी उसका फ़ायदा मिल पाए। तो इन सप्लीमेंट से हम सिर्फ उन चीज़ों की भरपाई कर सकते हैं जो कि नेचुरल फूड से खाना पॉसिबल नहीं है, या आपको खाने के बाद किसी किस्म की तकलीफ होती है, या आपके एरिया में वो अवेलेबल नहीं है। एंड जो खाने की डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है, उससे जो दिखने वाले सिम्टम्स हैं, उससे जो रिलेटेड बीमारियाँ हैं, उनको सप्लीमेंट देके काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं पे एक तीसरी कैटेगरी है मेडिसिंस। ये भी देखने में गोलियों के जैसी दिखती है, इंजेक्शन के जैसी दिखती है, सीसीओ में आती है, बट मेडिसिंस में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बीमारी की समझ आने के बाद बनाई जाती है। अगर कैंसर जैसी कोई कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है तो आपको उसके ऊपर अलग अलग टेस्ट करने पड़ेंगे, सालों साल स्टडी और रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कौन से केमिकल कंपाउंड से हम इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। उसी के बाद कोई और बीमारी, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की वजह से अगर कोई बीमारी होती है जैसे ट्यूबरक्लोसिस, तो उसके अगेंस्ट आपको एक एंटीबायोटिक बनानी पड़ेगी। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक कंज्यूमर है। वहीं पे अगर कोई कोविड जैसी बीमारी है जो वायरस के थ्रू होती है, तो आपको वायरस को मारने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। तो ये जो मेडिसिंस हैं, ये एक स्पेसिफिक बीमारी को ध्यान में रख के बनाई जाती है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम फूड को मेडिसिन की तरह यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि वो उन्हीं सो कॉल्ड बीमारियों को ठीक कर सकता है जो कि उस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स की कमताई की वजह से होती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की कोई डेफिशिएंसी हो रही है, तो आप उसको सही किस्म का खाना दे के उसकी उस तकलीफ को ठीक कर सकते हैं।
एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा प्रोबायोटिक्स। अब जब मैं जैसे ही प्रोबायोटिक्स कहता हूँ, आपको लगता है लो ये डॉक्टर फिर दवाई बेचना शुरू कर दिया, बट ऐसा नहीं। प्रोबायोटिक डाइट, प्रोबायोटिक चीजें जो हम खा सकते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका दही, दही जिसमें लैक्टोबैसिलस होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन्स में जाके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत फायदा करता है। एंड ये कोई नई चीज नहीं है, आज से लगभग 3 से 4 हजार साल पहले से लोगों को ये चीज पता है, उन्होंने अपनी किताबों में इसका वर्णन किया। तो जैसे ही आज लोग सुनते हैं प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स के बारे में, लोग तुरंत अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा देते हैं और लिखने लगते हैं, ये तो हमको 4 हजार साल पहले से पता था, इसमें नया क्या है, वेस्टर्न साइंटिस्ट बस पुरानी चीज को नए पैकेज में डाल के बेच के पैसे कमाना चाहते हैं, ये सब स्कैम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं है। एक टाइम था जब प्रोबायोटिक्स खाना इतना कन्वीनियंट नहीं था, हर व्यक्ति को पता नहीं था, हर व्यक्ति के पास एक्सेस नहीं थी, बट जब से सप्लीमेंट आ गए हैं लोग उसको भी लेके ज़्यादा कन्वीनियंटली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधार सकते हैं। हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी में उसको दे सकते हैं, हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं, हम ऐसे लोगों को दे सकते हैं जिनको लैक्टोज इनटॉलरेंस है, जिनसे कि वो डाइजेस्ट ही नहीं किया जा सकता, हम ऐसे लोगों को दे सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दही खाना पसंद नहीं करते, उन्हें उल्टी आती, उन्हें टेस्ट नहीं पसंद, स्मेल नहीं पसंद। तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, एंड हर एक ऑप्शन की अपनी कोई यूज़ और उसके कोई फ़ायदे एंड नुकसान। रह जाती है बात साइड इफ़ेक्ट्स की, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि अगर आप सिर्फ खाने से अपने आप को ट्रीट करोगे जो कि नेचुरल है, तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आप केमिकल खाओगे तो आपको साइड इफेक्ट हो जाएगा, आप साइड इफेक्ट से मर जाओगे, जैसा हमारा ब्रेन ट्यूमर वाला दोस्त मर गया था। तो साइड इफेक्ट्स के अंदर की बात यह है कि जब भी कोई साइंटिस्ट किसी बीमारी के लिए कोई दवा बनाता है, तो कई लोगों पे, एनिमल्स पे ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट करके ये देखा जाता है कि क्या साइड इफेक्ट्स बीमारी से भी ज़्यादा बुरे हैं। अब अगर साइड इफेक्ट्स एक्चुअल बीमारी से कम खराब हैं, तो हम कहेंगे कि नेट रिजल्ट पॉजिटिव है, तो ये जो दवा है इसको दिया जा सकता है, बिकॉज इससे लोगों में इम्प्रूवमेंट देखा गया। तो आज हमने ये सीखा कि बाहर से दिखने वाली सेम बीमारी अंदर से कुछ अलग अलग कारणों की वजह से भी हो सकती है। इसीलिए अगर आप सेब खा के ठीक हुए हैं, आप हजारों लाखों लोगों को जानते हैं जो कि सेब खा के ठीक हो रहे हैं, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि मेजॉरिटी लोग सेब खा के ठीक हो जाएंगे, बिकॉज बाहर से जो बीमारी आपको दिख रही है, हो सकता है अंदर से उसका कारण सेम ना हो। एंड दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि अगर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में समझना है, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जो कि ये हर कैटेगरी के लोगों से मिलता है, YouTube की दुनिया के बाहर भी। और अगर आप और ऐसी ही चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने एक पॉडकास्ट शुरू की है जहाँ पे मैं अलग अलग टॉपिक्स पे विस्तार पूर्वक बात कर सकता हूँ, जिससे कि आप एक बार शुरू कर दे तो आप आराम से उसे सुन सकते हैं एंड चीज़ों को समझ सकते हैं। सो विद दैट आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि किसकी दुकान कैसे चलती है। एंड माय ओनली सजेशन, माय ओनली पीस ऑफ एडवाइस टू यू इज़ ईट वेल, स्लीप वेल, स्टे एक्टिव, एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।